आज मैं आपके लिए क्रिस्पी और टेस्टी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण। समोसे के लिए सबसे पहले उसका आटा लगा लेंगे हम। आलू चढ़ा दिए हैं मैंने उबलने के लिए, तब तक आटा लगा लेंगे। 2 से 3 कटोरी मैदा लिया है मैंने, उसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से मसल के फिर डालना है। और मौन के लिए हम तेल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तेल का यूज़ कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैं, मतलब छोटे 4 चम्मच हो जाएंगे। 2 कटोरी में 4 चम्मच डालना होता है मौन, तो मैंने 3 कटोरी ली है तो डाला है मैंने उस हिसाब से। इसको अच्छे से हिला के फिर हम टाइट आटा लगाना है हमें, ज़्यादा लूज आटा नहीं चाहिए। आपको अजवाइन ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इससे गैस भी नहीं होगी, अच्छा रहेगा। मौन लग चुका है अच्छे से, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा लगा लेंगे। इसका सख्त आटा लगाना है। ये देखिए आटा लग चुका है, सख्त है आटा एकदम। थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग बना लेंगे। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल, बड़े चम्मच है 4 चम्मच है, क्योंकि थोड़ा मसाला टेस्टी होगा तो समोसे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, इसलिए मसाले में ज़्यादा ध्यान देना है हमें। इसे अच्छे से गर्म होने दे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। राई जीरा आधा आधा चम्मच डाला है मैंने, और 1 चम्मच अदरक है कसा हुआ, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2-3 पिंच हींग, तो 2 मिनट चला लेंगे इसको। लहसुन नहीं डाला है मैंने, अदरक डाला है इसमें, अदरक की टेस्ट तेल में घुल जाएगी। ये देखिए मैंने काजू के 2-2 टुकड़े कर लिए हैं और मनुका 8 से 10, इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे काजू को, ये होता रहेगा पूरी सब्जी बनेगी तब तक। फिर मटर, 1 कटोरी मटर लिया है मैंने, और मटर में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे हम। इसे 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। आप अगर राजस्थान में खाओगे समोसे तो उसमें हींग की बहुत ज़्यादा टेस्ट आती है। महाराष्ट्र की टेस्ट अलग है, राजस्थान की टेस्ट अलग है समोसे की, और मेरा दोनों मिक्स है। इसे 2 मिनट के लिए चला लिया है मैंने। अगर आपके ताज़े मटर है तो उसे 2 मिनट के लिए ज़्यादा पकाए, 4-5 मिनट के लिए। ये मैप्को मटर है इसलिए ज़्यादा नहीं चला रही हूँ मैं इसको। अब आलू, उबले हुए आलू, इसको मैंने बारीक नहीं किया है, बड़े बड़े ही है, क्योंकि हम हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अब मसाले डालेंगे हम इसमें, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और अमचूर पाउडर और शक्कर, शक्कर 1/2 चम्मच है ये, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, और मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक लिया है यहाँ पे, आप भी ज़रूर ट्राई करना, अलग टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच ये नमक और 1/2 चम्मच सेंधा नमक, और 1/2 नींबू। बस इसे 5 मिनट के लिए हिला के पका लेंगे।
इसे थोड़ा सा चलाइए अच्छे से, क्योंकि आलू बड़े बड़े डाले थे तो इस टाइम हो जाएंगे वो स्मैश। और इसे पकाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसका पानी अंदर का सारा ख़त्म करना है हमें, ताकि समोसे थोड़े कड़क कड़क बने, क्रिस्पी बने। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, इसे और अभी तक 5 मिनट तक रखूंगी मैं कढ़ाई में, ताकि समोसे 1-1.5 घंटे के बाद सिले ना हो, समोसे में नमी आ जाती है तलने के बाद थोड़ी देर में, तो इसकी वजह से ही आती है। इसे अभी तक 5 मिनट तक और रखेंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं, बस इस पे हरा धनिया बहुत सारा, और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे 5 मिनट के लिए, फिर समोसे बनाएंगे। गैस बंद कर दिया है मैंने। आटा भीग चुका है अच्छे से 15-20 मिनट तक, तो हम इसे मठा लेंगे थोड़ा सा। मैं किचन काउंटर पर ही कर रही हूँ। पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। हमें जो समोसे के लिए पूरी बनानी है वो मोटी नहीं चाहिए, मोटी होगी तो क्रिस्पी नहीं बनेगा, इस साइज की चाहिए। तो बस हम इसे बेल लेंगे। आटा थोड़ा सा कड़क है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कौन सी चीज़ की, ना ही आटे की ना तेल की, आराम से बट रही है। और इसे हमें ना लंबा लंबा बेलना है, थोड़ा सा गोल नहीं करना है। ये देखिए, पतला नहीं है, ज़्यादा मोटा नहीं है, बस 2-3 ऐसे बेल के रख लेंगे। ये देखिए, मैंने दूसरा भी बेल लिया है, थोड़ा लंबा लंबा बेला है, गोल में नहीं बेला है, तो इसको साइड में रख के जो पहला वाला बेला था उसको ले रही हूँ मैं, उसे हम बीच में से काट देंगे। इसे जो कटा हुआ पार्ट है उस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हम, नॉर्मल ऐसे हाथ में उठा के इसको कोन बना लेंगे, यहाँ से जोड़ के अंदर एक उंगली टच कर लेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे। इसको अच्छे से दबाना ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं। यहाँ से दबा लेंगे, फिर बस यहाँ से थोड़ा सा और तीखा कर लेंगे इसको, यहाँ से भी दबाते जाएंगे, ऐसा कोन बन जाएगा। फिर बस अंदर मसाला भरो, अच्छे से भरना मसाला, थोड़ा सा खुला खुला नहीं रहना चाहिए। और वापस यहाँ पे दोनों तीनों साइड में पानी लगा के, जहाँ पे अपनी ये प्लेट है उसके सामने वापस एक प्लेट करनी है अपने को, तो बस ऐसे बाहर की तरफ ऐसे किया तो भी चलेगा, फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे। तो बस इसे हम दबा लेंगे अच्छे से, और पानी लगाना ज़रूरी है तो आप याद रखें पानी लगाना ही है। इसे ऐसे दबा के थोड़ा सा पतला कर लीजिए, बस समोसा तैयार है। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। वापस फिर से वैसा ही कर रही हूँ मैं, ये अंदर की तरफ डालना है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वापस प्रेस करना है। अंदर उंगली रखोगे ना तो अच्छे से प्रेस हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं तेल में जाने के बाद। बस ऐसे सारे बना लेंगे हम। प्लेट इस साइड,
चलिए इसके लिए अब तेल रख देते हैं गरम। तेल रख दिया है मैंने और इसे अच्छे से गरम चाहिए हमें तेल समोसे के लिए ताकि वो क्रिस्पी बने। तो इसे अच्छे से गरम होने दीजिए, फिर बाद में हम डीप फ्राई करेंगे। तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है हमें क्योंकि तेल हमें ठंडा नहीं चाहिए। तीन चार ही डाल रही हूँ एक बार में। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से तलना है। ये देखिए इसे ज़्यादा नहीं चलाना है चम्मच से, दो तीन बार सिर्फ पलटी किया है मैंने। गोल्डन कलर में आ चुके हैं ये। तो अब मैं तीन चार हरी मिर्ची डाल रही हूँ उसमें। जब तक समोसे होंगे तब तक मिर्ची भी हो जाएगी। बस थोड़ा सा और ब्राउन करके हम समोसे को भी निकाल लेंगे। मिर्ची भी हो चुकी है, मिर्ची पे गरम गरम मिर्ची पर ही नमक डाल दूंगी मैं ताकि वो खाने में और टेस्टी लगे। ये देखिए ब्राउन कलर के हो चुके हैं, गोल्डन कलर के, गोल्डन ब्राउन है ये। अब निकालते हैं इसको और प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए बन चुके हैं और दिखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। क्रिस्पी है एकदम, तो प्लीज़ मुझे ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बने हैं। जय श्री कृष्णा।